कहीं और जगह आप ले लेते तो अच्छा रहता, भीड़ इकट्ठी हो रही है। भैया हम जहाँ भी खड़े होंगे, आगमन बारिश हो रहा है, ऐसा है कि हम जहाँ भी खड़े होंगे। अच्छा, कि अभी तमाम ये जो व्यवस्थाएं हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर कंट्रोल में है, इसलिए सरकार को हम नहीं निचोड़ सकते, नहीं उंगली उठा सकते हैं, लेकिन हाँ उस सरकार के ऊपर जरूर उंगली उठा सकते हैं जो इन बच्चों की बातों को लोगों तक पहुँचाने से हमें रोक रहे हैं। बात ये नहीं है कि ये सिर्फ वर्दी में हो और आए और तुरंत इन्होंने कहने लगे कि बंद करो। इनका कहना है कि यहाँ पर 144 लगाई गई है, इसलिए आप यहाँ पर कवरेज नहीं कर सकते। लेकिन अब तक कई बार मैंने पूछा कि क्यों लगाई गई है, इन लोगों का कहना है कि चूंकि चुनाव चल रहा है इसलिए लगाई गई है। हमारे अधिकारी महोदय हमें अभी समझा रहे थे, जब मैंने इनसे कहा कि मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ, उसके बाद से इनका समझाना बंद हो गया है। लेकिन यहाँ जो भीड़ है, इस भीड़ को देख करके इनकी सिरदर्दी बढ़ती जा रही है। हालांकि हम सिर्फ मुद्दे की बात करने आए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरा हो पाएगा और पुलिस प्रशासन साथ में खड़ा है। आप क्या चाहते हैं, मैं बयान लूं तो इनका सम्मान ना करूं? आप अगर ईमानदारी से ईमानदार बनना चाहते हैं तो आप योगी सरकार में डरना नहीं होगा। क्या करूं मैं, इनसे लड़ जाऊं, डंडा चलाऊं? नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है कि 144 को लागू है कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए। 144 क्यों यहां लागू की गई है? चुनाव के पूरे प्रदेश में लागू है, सिर्फ यहां नहीं लागू है। सर, उसमें पूरे प्रदेश में मुझे कहीं भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है? हमें आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप स्वतंत्र प्रभारी मीडिया है, आप कहीं भी जा कवरेज कर सकते हैं। लेकिन एक भीड़ इकट्ठी हो रही है, हमें भीड़ से पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या होता है? पब्लिक से ओपिनियन लेना, सार्वजनिक स्थान पे मार्ग जो हो रहा है अवरुद्ध हो रहा है आने जाने में। यहाँ मार्ग नहीं अवरुद्ध हो रहा है सर, यहाँ देखिए आप लोगों को जब से यहाँ लगाया गया है, हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी। हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए परिपूरक है, ना, आपके कामों में हम कभी भी टांग नहीं अड़ा सकते। आप स्वतंत्र हैं, आप अपना काम करिए, लेकिन हम कभी भी माहौल को खराब नहीं होने देंगे। माहौल सही है। आप लोग जैसे आकर के तुरंत कैमरा बंद कराने लगे, कैमरामैन के पास पहुंच गए, ये नाराजगी मेरी हमेशा रहेगी। अब कैमरामैन आपका नहीं सुनेगा, जब तक मैं नहीं कहूंगा वो नहीं बंद करेगा। आपकी बात सही है, परसों अभी इसी तरह आए थे, आपसे नहीं कहा गया। आज भी वही है, आज भी। देखिए आप लोग मत बोलिए, आप लोग बोलेंगे ना तो माहौल खराब होगा। मैं तमाम पुलिस वालों से मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर पब्लिक ओपिनियन रोड छोड़ के मैं साइड में ले रहा हूं तो क्या दिक्कत है? लेकिन अगर इन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन है तो भैया पुलिस प्रशासन में हमें भी सहयोग करना पड़ेगा। आप लोगों की बयान लेने के लिए हम मैं लॉज में चल सकता हूँ, वहां बैठ के मैं बयान ले सकता हूँ। उत्तर प्रदेश जितना चुनाव के मद्देनजर चर्चा का विषय बना हुआ है, उतना ही स्टूडेंट की पिटाई की वजह से भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक इलाहाबाद यानी प्रयागराज, जो अब नए नाम के से जाना जाता है, और दूसरा पटना, बिहार की राजधानी, जहां पर जितने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे लगभग सभी के साथ सरकार ने बर्बरता की है। और कुछ अभी युवा साथी हैं, अभी आगे भी हम जोड़ेंगे लोगों को, लेकिन क्या रहा उस दिन का? उस दिन सर NTPC का जो बिहार में आंदोलन चल रहा था, उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर प्रयागराज के स्टूडेंट कुछ यहाँ प्रयागराज स्टेशन पर जाके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ इकट्ठा होकर ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद पुलिस से वहाँ हाँ भिड़ंत हो गई। उसके बाद मतलब भिड़े थे छात्र? नहीं, छात्र भिड़े नहीं थे, पुलिस आई उनको हटाने लगी। फिर उसके बाद वहाँ से स्टूडेंट भागे। थोड़ा से क्यों निकाला गया? तो उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ हुआ था वहाँ पर। अच्छा। मतलब स्टूडेंट के बीच और पुलिस क्या हुआ था? कुछ आपस में मतलब भिड़ गए थे पुलिस और पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी। हाँ, पुलिस के साथ। तो पुलिस वालों ने खुनस निकालने हॉस्टल तक पहुँचा, हॉस्टल तक, और लाठी भी चलाई, लाठी बहुत लोगों को, ये स्टूडेंट इसको मारे हैं बहुत। आप भी उसी में थे? हाँ, उसी में थे, बहुत मरा गया। इन्हीं पर बहुत ज्यादा क्या गया था? बस अंदर घुस कर लाज में मारने लगे। समझ नहीं पा रहे? नहीं, कुछ सब और इसे घेर कर लाज में घुस गए थे। अरे नहीं, कपड़ा क्या दिखाइएगा? उसको इतना गोली जगह गोली लगा है। अच्छा, डंडे मारे? डंडे मारे हैं, बंदूक की घूरा से मारे हैं, बट से। हाँ,
मोबाइल वोबाइल देखे फट गए। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन वही हम लोग अपनी मांग रख रहे थे, मांग रखने के बाद फिर गए यहाँ से, लड़के सब लोग जुट गए थे। जुटने के बाद अब अपना काम कर रहे, तब उधर से पुलिस वाले आए, थोड़ा बातचीत होने लगी, पुलिस वाला एक डंडा उठाने लगा, तुरंत लड़के भाग पड़े। भागने के बाद दोनों ओर से पथराव होने लगा। अच्छा, पुलिस की तरफ से भी? हाँ, इधर से पथराव होने के बाद सब लड़के भाग गए। भागने के बाद सब लोग आए यहाँ पर, आने के बाद फिर जाएगा सब लाज में घुस घुस कर मारने लगे पुलिस वाले। कहो ले आया, बोल के निकल लिया। हाँ। युवा जब अपनी हित की बात करता है तो उसे लाठियाँ मिलती हैं। इस गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा युवाओं का अहित हुआ है। क्या किया जाए? सरकार चेंज कर दिया जाए, सरकार चेंज किया जाएगा। बारी तो आई है वोटिंग देने की। हाँ, एकदम है? एकदम पूर्वांचल साफ है, पूर्वांचल ही साफ करा दिया। हाँ, एकदम। उसी में बाबा भी आते हैं? अरे बाबा के एकदम जमाना जब्त हो जाएगा। बाबा मठाधीश में जाए। नहीं, पाँच साल में कोई वैकेंसी नहीं है। एक पेट कराए बताइए, पेट से हम लोग को रोजगार मिल जाएगा? कितनों को मिलेगा? हाँ, पेट सिर्फ वही कराए हैं और कोई वैकेंसी? इनका लेखपाल ड्रीम प्रोजेक्ट था, पाँच साल में जब भी आते लेखपाल कर रहे थे, लेकिन एक बार कुल 85 वैकेंसी आई, फिर उसके बाद जो है कि उसका एग्जाम का पते नहीं है। पाँच साल बीत गया। अब बताएं, हम लोग जूनियर इंजीनियर तैयारी करते हैं, 2016 का हम लोग फॉर्म भरे थे, अभी तक एग्जाम उसका हुआ, अभी मतलब 2 महीने बाद आंसर किया, अभी तक रिजल्ट कुछ पता नहीं। 2016 की वैकेंसी है अखिलेश गवर्नमेंट की, और इनकी 2018 अभी कुछ नहीं किया, फिर अभी 2018 की वैकेंसी है जेई की। मुसलमान कर रहे हैं बाबा, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिजाब, जिन्ना, यही सब कर रहे हैं। इनके अलावा इनके पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है। ये सिर्फ देश में सांप्रदायिकता का बढ़ावा है, और सबसे ज़्यादा इस सांप्रदायिकता में हम युवाओं का आहित हो रहा है। हम युवाओं से रोजगार से मतलब है, अच्छी शिक्षा, रोजगार, सड़क से मतलब है, हमें मंदिर मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा हम उलझ रहे हैं, रोजगार या नौकरी? नौकरी रोजगार नहीं, रोजगार मिले। रोजगार कहेंगे तो सरकार बहुत तरीके की योजनाएं चला रही है, फिर उस पर बात करना पड़ेगा। कौन सी योजना? उस योजना में देखो, जब धरातल पर योजना उतरेगी तब ना। एक एक करके बात करना है तो नीचे आइए, ले ऊपर तो साइकिल लहर रही है, दिखाइए भैया एक बार, दिखाइए ऊपर में ये जो साइकिल का है, क्या चीज? अच्छा, यहाँ पर पूरा युवा मिठाई बांटेंगे अगर अखिलेश सरकार आ गई तो। हाँ, इतना पूछने वाली बात है नहीं है। इसीलिए अभी साइकिल ऊपर है, नीचे आएगी, धरातल पर आएगी, एकदम आएगी, समझे नहीं, धरातल पर आएगी। हाँ, लग रहा है एकदम। पुलिस वाला भी यही है, पुलिस वाला परेशान करते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पर हम लोग माइक देख के ये बात बोल रहे हैं कि देते हैं तसल्ली? नहीं, कुछ नहीं, तसल्ली नहीं होता है, हम लोग पुलिस वाला। चलिए, अच्छी बात है अगर पुलिस प्रशासन आपका सहयोग। हम लोग पुलिस से कब तक डरते रहेंगे? जब तक हॉस्टल से निकाल के मार रही है। नहीं, हम लोग अपने रोजगार, तो हमें क्या पता भैया कब तक वो निकालेगी, कब तक मारेगी। इस बार जो छात्र हैं वो छात्र के मुद्दे पर वोट करेंगे, ना कि जाति और धर्म के मुद्दे पर वोट नहीं करने वाले हैं। छात्र किस मुद्दे पर करेंगे? अपने रोजगार के मुद्दे पर, नौकरी के, सरकारी नौकरी के, यहाँ सरकारी नौकरी, बिल्कुल बिल्कुल सरकारी नौकरी के, कि रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी के, क्योंकि यहाँ जो आए हैं ज्यादातर मध्यम वर्ग परिवार के लड़के हैं, इनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इनको सरकारी नौकरी मिले जिससे इनका घर और जीवन यापन अच्छे से हो, इसलिए ये इस बार छात्र के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर ही वोट करेंगे। इलाहाबाद में लगभग 10 लाख लड़के होंगे, सब सपा मार रहे हैं। सब तो इलाहाबाद के होंगे नहीं, अलग अलग क्षेत्रों से? हाँ, सब अलग, पूर्वांचल से पूरा है। गाँव का हाल है? कुंडा से हैं हम, वैसे हमारा सरकार बनाने में कोई योगदान नहीं है, हमारे तरफ तो राजा भैया हैं, 4-5 सीटों पर उनका हर साल परचम रहता है। और हम रोजगार मुद्दे पर ये कहना चाहेंगे, यदि आप योग्य होंगे तो आपको जरूर रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलेगा कि नौकरी कहाँ से रोजगार मिलेगा? सरकारी नौकरी मिलेगा, यदि जब वैकेंसियाँ नहीं आएंगी कहाँ से रोजगार मिलेगा?
सौ में नब्बे नंबर पे रोजगार मिलेगा, ये कहाँ का नहीं है? सौ में मेरा 67 नंबर था। जवाब भी लेते चलिए। देखिए जो है ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है गवर्नमेंट में, जो जो अभी एनटीपीसी का आया है उसमें जिस प्रकार से रिजल्ट दिया गया वो मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, काफ़ी बच्चों के साथ गलत हुआ है। यही अगर सही हो जाए और समय समय जैसे लेखपाल वाली वैकेंसी निकाले हैं, अगर इसको सही से मतलब सही से इसको जब चुनाव आवे तब तुमको वैकेंसी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ाया है। पाँच साल में सात साल में मोदी गवर्नमेंट इकोनॉमी वाली है वो क्या बोलते हैं उठा के देख लीजिए, एक्सेप्शन में चाइना है, उसके अलावा सभी की इकोनॉमी कोरोना की वजह से गड़बड़ हुई है। आप इसका छोटा बड़ा वगैरह किस भर्ती में बहुत बढ़िया हुआ आप बता दीजिए तो। हाँ वही तो बोल रहे हैं दरोगा की अभी वैकेंसी हुई, हमारे लाल से तीन लड़के पैसा दे देकर हुए हैं। हाँ तीन लड़के हैं पैसा दिए हैं और उनका कंफर्म हो जाए। गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है भाई। भाई भाई देखिए हम भी एयरफोर्स के ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं, 2020 का है अभी हुआ नहीं है। मेरा एस आई दोनों क्लियर हुआ बिना पैसे का, अभी उसके हिसाब से एक लोग का हो जाता ना। हमारे चीज बताइए, देखिए इसमें भी अगर आप कह रहे हैं कि धांधली हुई है तो हम मान लेते हैं कि धांधली हुई है। हम सरकार की बात नहीं कर रहा, हमारा भाई बिना पैसे के मैंने एग्जाम दिया, मेरा निकला है तो मेरा हुआ है तो हमारा भी एयरफोर्स में बिना पैसे का ही हुआ है। एक ही विनती रहेगी आप लोगों से, एक ही विनती रहेगी शालीनता के साथ जितने देर बात करेंगे हम कवरेज करने को तैयार हैं। भ्रष्टाचार हुआ है कम मात्रा में, ज्यादातर भ्रष्टाचार 20% लोगों को सकता सही हुआ लेकिन ज्यादातर एक करके बात करें तो कोई भी सरकार सही नहीं। मुझे आप जो सरकार है वो सबसे बेस्ट लगती है ना, सपा भी इससे पहले सपा भी थी, इसके पहले ये नहीं थी सपा था बहुत रोजगार, हम लोग तब से भी पहले है सबसे सही आप है। जो दिल्ली में विकास हो रहा है जिस तरह के तरीके से आपने जो किया वो कहीं नहीं हो रहा है। सपा आदमी पार्टी, हाँ आम आदमी पार्टी, आपने जो काम अच्छा किया दिल्ली में भी आप जाके देख लीजिए, शिक्षा से लेके हर जगह जो काम किया है, और यहाँ ना सपा भी इससे पहले थी, ये नहीं तक नहीं थी, सपा भी थी उसके बाद बसपा भी थी, बीएसपी का भी देखा और भाजपा का भी देखा। मतलब लेकिन जितने अच्छे सीधा करने के लिए किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। छात्रों पे कभी लाठियां नहीं चार्ज हुई थी इलाहाबाद में, ये बहुत गलत हो रहा है, ये गलत है। और रूम के सामने भी सरकार छात्रों पे लाठी वादा करेगी, हम लोग उसके खिलाफ वोट करेंगे और सारे छात्र मुद्दे पर वोट करेंगे। आप लोग छात्र हैं और हमारी भी उतनी उम्र नहीं है कि हम अपने आप को वरिष्ठ कह लें, तो हमारी भी लगभग वही उम्र है। जो गलत है सो गलत है, हॉस्टल से बच्चों को निकाल कर पीटा जाना गलत था तो गलत था, लेकिन पटरियों पर बैठ करके वो क्या बोलते हैं वो बिहार का था, यहाँ का नहीं था, यहाँ नहीं भैया यहाँ का नहीं था। यही एक वजह है कि बिहार में जब रिपोर्टिंग करने जाओ तो वो कहते हैं कि भैया वो उत्तर प्रदेश का था, उत्तर प्रदेश में आओ तो वो कहते हैं। यहाँ पे पूरा हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं, यहाँ की यहाँ पर कोई ऐसा नहीं हुआ। बताइए कितने पुलिस वाले यहाँ घायल हुए, एक भी पुलिस वाले घायल हुए हैं दिखे आपको वीडियो में? कहीं यहाँ दिखे हैं? कहीं नहीं हुए हैं। छात्रों का आप देखिए कितने हुए, कितने मार खाए हैं, तो ऐसे कैसे कर रहे हैं कि पुलिस वालों के ऊपर लोग लाठी चार्ज किए ये किए? मतलब क्योंकि आप ही लोगों के बयान था कुछ देर पहले कि दोनों तरफ से पत्थरबाजियां की गई, पत्थरबाजियां पुलिस के शांति से पहले बैठे थे जब भाई पीछे से बोल जब भैया शांति से सब लोग बैठ कर बोल रहे थे अपना, कोई सुन नहीं रहा था, तब जाकर बच्चे जो परेशान हुए, तो थोड़ा मोड़ा हो गया होगा, कहीं और हुआ, यहाँ लाठी मार दिया गया, ये नहीं सही बात है ना। लेकिन वो निर्दोष ही है क्योंकि वहाँ पर हम अपने आंखों से देखे वाले पत्थर फेंकने वाले कभी टिकते नहीं है, वो तो भाग जाएंगे जो निर्दोष होते हैं। निर्दोष पता ही नहीं होगा कि पत्थर मारा है, खड़े हो जाएगी आपने देख रहे थे कि पुलिस इकट्ठा हुई है वो मार खाए हैं, और क्या बोलते हैं जो पत्थरबाज है वो मार नहीं खाए। यहाँ खड़े होकर कॉफी पीने वाले चाय पीने वाले बच्चे मार खाए, जो लाइब्रेरी गए थे आए थे वो मार खाए हैं, जो कमरे में सोए थे वो मार खाए हैं, जो लड़के पथराव किए होंगे उनका पता ही नहीं कौन था, और किए होंगे तो मुझे ये भी नहीं, मुझे तो कहीं वीडियो में नहीं दिखा कि पथराव किए हैं, ऐसा कोई नहीं, कोई देखा हो तो बता सकता है, बट मैं नहीं देखा कि कहीं पथराव किए लड़के, ऐसा कोई पुलिस वाला घायल हुआ। तो देखिए तस्वीरें दोनों तरफ से निकल, हाँ तस्वीरें हुई, लेकिन वर्दी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी क्योंकि आप हॉस्टल से निकाल कर नहीं मार सकते, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, वर्दी की गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। बल प्रयोग कर सकते हैं, एक आध डंडे मार सकते हैं, लेकिन किसी को बर्बरता के साथ नहीं मार सकते, दरवाजा मार सकते, दरवाजा तोड़कर सोने वाले बच्चे को। तीन लोग लगभग कमरे में बंद करके तीन लोग मारे थे, लेकिन प्रदर्शन में आप भी गए थे, अपने हक के लिए नहीं आवाज उठाएंगे। देखिए
मेरा मार्क्स एनटीपीसी मार्क्स लगभग 67 नंबर था और फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद 63 नंबर कर दिया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए धरने के बाद ही क्यों कमेटियाँ गठित होती हैं, क्यों प्रधानमंत्री ये रेल मंत्री सब बयान देते हैं, धरने के पहले क्यों नहीं देते? इतने दिन से बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे तब क्यों नहीं कि ध्यान दिया गया इस पे रेल मंत्रालय के द्वारा? हम लोग डिजिटल से लगभग ट्विटर से लगभग 10 मिलियन। मैं क्या बताता हूँ, ये तमाम मुद्दों पर मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूँ और पहले भी कई वीडियो में मैं कह चुका, जहाँ भी मैं पब्लिक ओपिनियन के लिए जाता हूँ खासतौर पर वहाँ कहता हूँ कि गूंगी बहरी सरकार को कभी कभार धमाके की जरूरत पड़ती है। अगर कहीं बच्चों ने ट्रेन लहकाया तो वो लहकाएं, क्योंकि पूर्व में जो भी प्रदर्शन सोशल मीडिया पर किए गए हैं उसके अवलोकन में सरकार ने एक भी जवाब नहीं दिया है। मैं गलत बोल रहा हूँ? ऐसे ही होना तो अब ऐसे में पुलिस प्रशासन अपने मन से बच्चों को निकाल के मारी है या सरकार का पीछे का षड्यंत्र है या किसी और का? बिना सरकार के परमिशन के कुछ नहीं होता है। कोई जो भी फोर्स विभाग है, जब तक सरकार का डीएम से या किसी के माध्यम से वहाँ से परमिशन नहीं मिलता, तब तक वो भी रूम पे आके ताले दरवाजा तोड़ के ताला तोड़ के इस तरह से नहीं मारती है, समझ रहे? हाँ, समझ रहे? अरे मतलब बंद था तो तोड़ ही रहे थे ना, आप देखे नहीं थे क्या? बंद था तो अंदर कैसे रहेंगे जो बंद करके पढ़ाई कर रहे थे? अरे अंदर से बंद था, आप समझ, मतलब अंदर की बात कर रहे हैं, कहीं और जगह आप ले लेते तो अच्छा रहता, भीड़ इकट्ठी हो रही है। भैया हम जहाँ भी खड़े होंगे, आगमन बारिश हो रहा है, ऐसा है कि हम जहाँ भी खड़े होंगे। अच्छा, कि अभी तमाम ये जो व्यवस्थाएं हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर कंट्रोल में है, इसलिए सरकार को हम नहीं निचोड़ सकते, नहीं उंगली उठा सकते हैं, लेकिन हाँ उस सरकार के ऊपर जरूर उंगली उठा सकते हैं जो इन बच्चों की बातों को लोगों तक पहुँचाने से हमें रोक रहे हैं। बात ये नहीं है कि ये सिर्फ वर्दी में हो और आए और तुरंत इन्होंने कहने लगे कि बंद करो। इनका कहना है कि यहाँ पर 144 लगाई गई है, इसलिए आप यहाँ पर कवरेज नहीं कर सकते। लेकिन अब तक कई बार मैंने पूछा कि क्यों लगाई गई है, इन लोगों का कहना है कि चूंकि चुनाव चल रहा है इसलिए लगाई गई है। हमारे अधिकारी महोदय हमें अभी समझा रहे थे, जब मैंने इनसे कहा कि मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ, उसके बाद से इनका समझाना बंद हो गया है। लेकिन यहाँ जो भीड़ है, इस भीड़ को देख करके इनकी सिरदर्दी बढ़ती जा रही है। हालांकि हम सिर्फ मुद्दे की बात करने आए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरा हो पाएगा और पुलिस प्रशासन साथ में खड़ा है। आप क्या चाहते हैं, मैं बयान लूँ तो इनका सम्मान ना करूँ? आप अगर ईमानदारी से ईमानदार बनना चाहते हैं तो आप योगी सरकार में डरना नहीं होगा। क्या करूं मैं, इनसे लड़ जाऊं, डंडा चलाऊं? नहीं करेगा, नहीं करेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि 144 को लागू है, कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए 144 क्यों यहां लागू की गई है? चुनाव के पूरे प्रदेश में लागू है, सिर्फ यहां नहीं लागू है सर। उसमें पूरे प्रदेश में मुझे कहीं भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप स्वतंत्र प्रभारी मीडिया है, आप कहीं भी जा कवरेज कर सकते हैं, लेकिन एक भीड़ गठित हो रही है। हमें भीड़ से पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या होता है? पब्लिक से ओपिनियन लेना, सार्वजनिक स्थान पे मार्ग जो हो रहा है अवरुद्ध हो रहा है, आने जाने में यहाँ मार्ग नहीं अवरुद्ध हो रहा है सर। यहाँ देखिए आप लोगों को जब से यहाँ लगाया गया है, हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी। हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए परिपूरक है, ना आपके कामों में हम कभी भी टांग नहीं अड़ा सकते। आप स्वतंत्र अपना काम करिए, लेकिन हम कभी भी माहौल को खराब नहीं होने देंगे। माहौल आप सही है। आप लोग जैसे आकर के तुरंत कैमरा बंद कराने लगे, कैमरामैन के पास पहुंच गए, ये नाराजगी मेरी हमेशा रहेगी। अब कैमरामैन आपका नहीं सुनेगा, जब तक मैं नहीं कहूंगा वो नहीं बंद करेगा। आपकी बात सही है, परसों अभी इसी तरह आए थे, आपसे नहीं कहा गया। आज भी वही है, आज भी। देखिए आप लोग मत बोलिए, आप लोग बोलेंगे ना तो माहौल खराब होगा। मैं तमाम पुलिस वालों से मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर पब्लिक ओपिनियन रोड छोड़ के मैं साइड में ले रहा हूं तो क्या दिक्कत है? लेकिन अगर इन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन है तो भैया पुलिस प्रशासन में हमें भी सहयोग करना पड़ेगा। आप लोगों की बयान लेने के लिए मैं लॉज में चल सकता हूँ, वहां बैठ के मैं बयान ले सकता हूँ, लेकिन अगर इनके कामों में अगर इनको अड़चन आ रही है तो हमें इनका सहयोग करना चाहिए हमें सरकार से मतलब है, हमें अपनी बातें पहुंचाने से मतलब है, अपनी बातें रखने से मतलब है, ना कि इनके साथ भिड़ने से मतलब है। ये भी हमारे ही परिवार के हैं, आप ही की तरह चेहरे हैं, तो हमें इनका सम्मान करते हुए अब ज्यादा सवालों के पीछे नहीं भागते हैं, क्योंकि इस वर्दी के पीछे की जिम्मेदारी कुछ और होती है।
और उस जिम्मेदारी को हम भली भांति समझते हैं। इनको जितना बयान देने के लिए अधिकृत किया गया होगा उतना ही बयान ये दे सकते हैं। अगर मैं यहीं पर अडिग हो जाऊं तो इनको अधिकारी महोदय को चल के यहाँ पर आना पड़ेगा, फिर वहाँ वो हमें संतुष्ट करके भेज सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि उतनी नौटंकी हो, क्योंकि इनको परेशान करके मुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मेरी ईमानदारी पर आप कुछ देर के लिए शक कर लीजिए, लेकिन युवाओं की बात हम उठाने के लिए इनके साथ वहाँ तक जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे, जहाँ तक सरकार हमें भी दोषी बनाकर भले ही अंडर डाले। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।